उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद के मुंडा पांडा थाना क्षेत्र को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देशन में जनपद में वाहन चोरी जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा इस तरह की घटना कार्य करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं सहयोग पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकार हाईवे के नेतृत्व में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान वाहन चोर गिरोह के दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की चार मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए तथा तीन फर्जी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट भी बरामद की गई। वहीं पुलिस द्वारा पूछताछ में वाहन चोर गिरोह के दोनों सदस्यों से गहनता से पूछताछ की गई तो दोनों चोर अभियुक्तों ने बताया कि जिला रामपुर जनपद से मोटरसाइकिल चुरा कर उनकी नंबर प्लेट फर्जी लगाकर और गाड़ियों का चेसिस नंबर मिटा करके क्षेत्र में कम सस्ते रेट में बेच दिया करते थे और इस तरह से ये रामपुर जनपद में पिछले कई सालों से इस काले कारोबार को अंजाम देते चले आ रहे थे, जिसमें मुंडा पांडे थानाध्यक्ष संजय ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत दोनों बाइक चोर गैंग के सदस्यों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी हुई चार मोटरसाइकिल, एक तमंचा, जो दो जिंदा कारतूस, तीन फर्जी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट बरामद कर दोनों अभियुक्तों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। सिटी न्यूज संवाददाता उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद से सादत अली की रिपोर्ट। ये थाना मुड़ा पांडे पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। 7 तारीख को ये पुलिस के द्वारा एक चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध व्यक्ति जब उनको रोका गया तो उनके कब्जे से जो मोटरसाइकिल थी उसकी जब देखा गया तो वो चोरी की थी। साथ ही उनकी तलाशी के दौरान एक अवैध तमंचा भी उनके कब्जे से बरामद हुआ। पुलिस के द्वारा उनको लाया गया और उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा तीन अन्य मोटरसाइकिलें जो विभिन्न स्थानों से उनके द्वारा चोरी की गई थी वो भी उनके द्वारा बरामद कराई गई हैं। और जब उनकी जानकारी की गई तो उसमें से एक मोटरसाइकिल रामपुर थाना सिविल लाइन्स से संबंधित है, जिसके संबंध में वहाँ अभियोग पंजीकृत है, और एक अन्य मोटरसाइकिल जो थाना ज्योति नगर उत्तरी दिल्ली से चोरी की थी इन्होंने, वो भी बरामद हुई है। एक अन्य मोटरसाइकिल और है जिसका चेसिस नंबर इनके द्वारा खुरच दिया गया है और उसकी नंबर प्लेट भी इनके द्वारा चेंज की गई है। पूछताछ में इन लोगों ने ये बताया कि ये लोग जो मोटरसाइकिल चोरी करते हैं और उनके नंबर को ये लोग चेंज कर देते हैं, उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगा के लोगों को बेच देते हैं और उस उनको ये लोग लगातार यूज़ करते हैं। ऐसी एक मोटरसाइकिल के द्वारा स्वयं भी इस्तेमाल की जा रही थी और जो शेष मोटरसाइकिल थी उनको भी ये किसी अन्य को बेचने की फिराक में थे। सर, अभी तक कितनी बाइकें बेच चुके हैं या पहली बार ही करने? अभी इनसे पूछताछ की गई है। फिलहाल इन्होंने जितनी मोटरसाइकिल बताई थी वो बरामद की गई हैं, लेकिन अभी इसके अलावा संभावना है कि और भी मोटर इन्होंने बाइक चोरी की होंगी, जिसके संबंध में अभी हम लोग और इनका PCR पर लेके इनसे विस्तृत पूछताछ करेंगे। इनकी फ़ोन कॉल डिटेल्स को भी हम लोग देख रहे हैं कि इनके संपर्क में कौन से लोग रहे हैं, उनसे बुला के भी पूछताछ की जाएगी। तो हो सकता है अभी भविष्य में इसके अलावा और भी बरामद की। हाँ, इस एक अभियुक्त का इसमें जो विशाल है वो पूर्व में भी थाना मझोला से एक चोरी के मुकदमे में जेल गया है, लेकिन जो जैसे अभी देख रहे हैं आपके रामपुर से और दिल्ली से भी जो मुकदमे हैं अब तक उसमें इनका नाम नहीं खुला था। तो ये भी संभावना है कि और भी जगह पर मुकदमे लिखे हों जिसमें अभी ये लोग प्रकाश में ना आए हों, क्योंकि ये नए अपराधी हैं और इनका ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन निरंतर ये घटनाएं कर रहे हैं। तो अभी जब इनसे पूछताछ की जाएगी और जो अलग अलग स्थानों के मुकदमे जब खुलेंगे तो उससे इनका आपराधिक इतिहास। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा
सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9211-4783-12, 9211-4183-12। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।